again to the another Instagram live. This series of brand and brand management, and today I'll be talking on the again on personal branding connecting with the Instagram. So Instagram is also one of the best channel, one best platform to showcase your skill and also do your personal branding. So personal branding ke liye Instagram par kya kya karna chahiye, to pehle kal main baat karunga ki कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन आज उससे पहले मैं बात करूँगा कि इंस्टाग्राम पर्सनल ब्रांडिंग के लिए क्यों अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो फर्स्ट थिंग्स ऑफ कोर्स इट द फ्री प्लेटफॉर्म, तो यू कैन ओपन योर पर्सनल अकाउंट ऑल्सो एज वेल एज यू कैन ओपन योर इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम पेज बनाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अगर आपका पर्सनल अकाउंट ही है और पॉसिबल के हो सकता है कि आपको चाहिए कि केवल उसको बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं या आप प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर दें, या फिर आप दूसरा अकाउंट बनाना ही चाहते हो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो बेहतर होगा कि आप बिजनेस अकाउंट ही ओपन कर दें। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन किया जा सकता है, जिसको आप पेज भी बोल सकते हो। दूसरी चीज़, आफ्टर सेटिंग अप एंड ओपनिंग द बिजनेस और प्रोफेशनल अकाउंट, इसमें तीन अकाउंट होते हैं, तीन या चार अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, जो एक नॉर्मल हर कोई ओपन करता है। दूसरा होता है प्रोफेशनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट। तीसरा होता है डिजिटल क्रिएटर अकाउंट, जहाँ क्रिएटर का एक अकाउंट माना जाता है। तो अगर आप डिजिटल क्रिएटर ना हो तो आप बिजनेस अकाउंट या प्रोफेशनल अकाउंट ओपन कर दीजिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये आता है कि आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, बायो। तो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग, जस्ट लाइक मैंने लिंक्डइन पर बताया था उसी तरह इस पर बोलूँगा, एक अच्छा सा आपका इंस्टाग्राम बायो के लिए आपका फ़ोटो होना चाहिए, जहाँ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फ़ोटो में स्माइली होनी चाहिए, हो सके तो प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए उसमें, ज़रा भी ये नहीं होना चाहिए उसमें कोई गॉगल्स पहने हुए उल्टे सुलटे लुक्स के साथ। वो प्रोफाइल पिक्चर आपकी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और एक प्रोफेशनल अटायर के साथ होना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और आपका लिंकडिन अकाउंट, सब जगह एक ही यूनिवर्सल फ़ोटो हो, यानी यूनिवर्सल मतलब एक ही पिक्चर हो, तो वो काफ़ी ही अच्छा रहेगा, ताकि ब्रांड को रिकॉग्निशन में अच्छा लगे। ऐसा ना हो इंस्टाग्राम पे अलग हो, लिंकडिन पर अलग हो, ट्विटर पे अलग हो और फेसबुक पर अलग हो। यू शुड हैव वन यूनिवर्सल द सेम पिक्चर अक्रॉस द डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर आप मेरा देखोगे, मेरे पेज से लेकर, ग्रुप से लेकर, पर्सनल प्रोफाइल से लेकर, व्हाट्सएप फ़ोटो से लेकर, सब जगह एक ही पिक्चर है, सो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, ठीक है। तो दूसरा निगम हुआ ही नहीं, ये एक ही है न्यूमरोलॉजी में। उसी तरह आपको भी एक ही पिक्चर रखनी है, तो गो फॉर अ प्रोफेशनल शूट, और इवन यू कैन क्लिक अ पिक्चर फ्रॉम योर स्मार्टफोन ऑल्सो, और फिर एडिट करके, बहुत सारे ऐप्स हैं एडिटिंग के, वहाँ पर एडिट करके अपलोड कर सकते हो। तीसरी चीज़ आती है आपका टाइटल। इंस्टाग्राम बायो के लिए ज़रूरी है कि आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए, उसमें कैसा होना चाहिए, टाइटल आपका नाम, और चौथा होना चाहिए टाइटल के बाद आपका कीवर्ड, जो इंडस्ट्री में आप रहते हो वो कीवर्ड आपके टाइटल में इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। जैसे मतलब नाम में इंक्लूड, जैसे मेरा नाम है नीरव, तो अगर मैं ये हूँ तो न्यूमरोलॉजी में तो बोले डालूँगा न्यूमरोलॉजिस्ट नीरव, ये मेरा नाम का टाइटल मैं रख सकता हूँ नाम के अंदर में। या फिर मैं टैरो कार्ड में तो टैरो रीडर नीरव, या टैरो कार्ड रीडर नीरव, या टैरो नीरव, ऐसा टाइटल होना चाहिए। उसके बाद बायो में डिस्क्रिप्शन में आता है, आप अपना वापस कीवर्ड और टाइटल डाल सकते हो, जैसे स्पीकर, फिर एक वर्टिकल डंडी, मतलब वो हाइपन में हाइपन बोलते, वर्टिकल लेग स्टैंड, कीनोट स्पीकर स्लैश, अगर मैं कोई मैगजीन में कहीं पर आया हूँ कोई अच्छे टाइटल अचीवमेंट के साथ, अंडर 30 एट फोर्ब्स, या टेडक स्पीकर स्लैश ट्रेन 1000 प्लस पीपल स्लैश, ठीक है, लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर स्लैश, इस तरह से आप अपनी डिस्क्रिप्शन इसमें छोटे छोटे डाल सकते हैं, मुश्किल से डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए कि आपको अपने अकाउंट पर बेकार की फजूल की फॉलोवर्स नहीं होने चाहिए, फॉलोइंग नहीं होनी चाहिए किसी को भी। आपके अगर आप एक इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी अपने आप को बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोवर हो, तो आपको चाहिए कि आप
उन लोगों को अनफॉलो कर दीजिए जो कुछ कंटेंट ही नहीं डालते, वो जो केवल एक दो कंटेंट डाल के भूल जाते, तो उनको अनफॉलो कर दीजिए, ठीक है। एंड अगेन वाइल वर्किंग ऑन द इंस्टाग्राम डू नॉट क्लिक एनी वेयर इन टू द अदर लिंक वेर इन पीपल आर ट्राइंग टू लर्न यू कि ये फ्री है, ये ऑफर, ये डिस्काउंट है। कभी कभार वो सारी लिंक स्पैमी होती है और वहाँ पे आपका अकाउंट लॉक किया जा सकता है, ब्लॉक किया जाता है हैकर्स के द्वारा, ठीक है। और सबसे जहाँ हैकिंग की बात आती है, आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में बहुत ही अच्छा पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 15-17 कैरेक्टर का लंबा पासवर्ड होना चाहिए, जिसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना, आपको खुद को याद रखना है, ठीक है। मेरे बहुत सारे अकाउंट हैं जो मुझे याद हैं, आपकी मेमोरी अच्छी रखिए और आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जिस तरह क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते, उसी तरह इन अकाउंट की, सोशल मीडिया अकाउंट की भी, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, इट इज जस्ट लाइक अ फाइनेंशियल एसेट्स ओनली, वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है। तो वंस द फोटो इज मेड, वंस द प्रोफाइलिंग इज डन, वंस द टाइटल इज डन, वंस द कीवर्ड इज सेट इन टू द, उसके बाद आती है हाईलाइट्स। तो आपको जो नीचे जो सर्कल्स रहते हैं ना, अगर आप अपने बायो में देखोगे, वहाँ बहुत सारे लोगों के इसमें सर्कल रहते हैं, अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोडक्ट। तो इंस्टाग्राम पेज और प्रोफेशनल अकाउंट इज जस्ट लाइक योर वेबसाइट होगी, तो वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज के बारे में अलग अलग सेक्शन, कैटेगरी, जैसे होम पेज पर रखे आप बना सकते हो। जैसे एक में डाल दिया आपने अबाउट मी, ठीक है, जैसे वेबसाइट, वैसे आप अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में, अगर पर्सनल ब्रांडिंग है तो अपने बारे में डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अपने बारे में तो वैसे नहीं रखा है, क्योंकि तो मेरी वेबसाइट है, मैंने रखा है फेस्टिवल, एक थीम रखी न्यूमरोलॉजी की, एक हाइलाइटर रखा है ग्राफोलॉजी की, एक हाइलाइटर रखा है मैंने सर्विस में, एक रखा है टेस्टिमोनियल। तो वैसे आप अपने प्रोडक्ट और स्किल सेट के बारे में अलग अलग डाल सकते हो और वहाँ पर स्टोरी अपलोड कर सकते हो, ताकि वो उसके अंदर में इंक्लूड हो जाए। और एक हाइलाइटर में 100 स्टोरी एक्सेप्ट होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद आप अपलोड करोगे तो एक वो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम निकाल देगा उसमें से, ठीक है। तो उसकी लिमिट है 100 स्टोरी इन वन हाइलाइटर, ठीक है। और हाइलाइटर्स मैं बोलता हूँ 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैंने तो शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज ही उतनी ज़्यादा है, तो हाइलाइटर सच होनी चाहिए। और हाइलाइटर के लिए या प्रोडक्ट को पोस्ट करने के लिए, कॉन्टेंट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, तो उसके लिए सबसे अच्छा टूल जो मैं मानता हूँ और जो मैं खुद यूज़ करता हूँ इतने सालों से, तकरीबन 2017 या 2018 से, canva.com, canva.com, canva.com को जाइए। वहाँ पे 1080x1080, ये इंस्टाग्राम कंटेंट के लिए बनाया गया है, अच्छा रेशियो है 1080x1080। वहाँ पे आप जाइए, इंस्टाग्राम पोस्ट की भी आप डाल दोगे ना स्क्वायर फॉर्म में, तो भी वो आ जाएगा। और ड्रैग एंड ड्रॉप है, रेडीमेड टेम्पलेट रहते हैं, वहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। स्टोरी अगर डालनी है तो स्टोरी का भी हाइलाइटर्स वहाँ पर canva.com में, हाँ, फ्री में अकाउंट अवेलेबल है, फ्री एंड प्रो दोनों हैं, और वो लोग आपको ऐसा नहीं बोलते, 7 डे स्टाइल, 15 डे स्टाइल, लाइफ लॉन्ग फ्री रहेगा कैनवा, ठीक है। अगर उसका प्रो प्लान चाहिए तो कुछ 3 या 4 हज़ार में आता है, दो लोग यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सस्ता, इतना महंगा भी नहीं है पूरे एक साल के लिए, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो आप वहाँ स्टोरी अगर आप बोलेंगे हाइलाइटर बनेंगे, स्टोरी कैसे अपलोड करें उसमें, उसके लिए आपकी ज़रूरी है कि आपको वहाँ पे स्टोरी के पहले भी ये ज़रूरी है कि आपको उसकी एक थीम डालनी पड़ेगी, अपनी थीम मतलब थीम के कलर, आपके बिजनेस अकाउंट के कलर होने चाहिए। जैसे मैं अभी एकदम फिक्स नहीं किया हूँ, लेकिन यूजुअली आई लाइक द येलो एंड ब्लैक, ठीक है, अभी रेड है तो मैं इसको येलो और ब्लैक में करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो मेक इट द हाइलाइटर्स कलर फॉर्मेशन इन टू द कैनवा, वहाँ बना दीजिए येलो और ब्लैक के इसमें, और वो हाईलाइट पर डाल दीजिए टेस्टिमोनियल, क्लाइंट्स, हैप्पी क्लाइंट्स, सर्विसेज, फेस्टिवल, जो भी आपकी थीम रहती है, जो भी आपकी सर्विसेज रहती है, उसी तरह आपके जो कंटेंट है 1080x1080 जो पोस्ट हैं उसमें भी वही कलर थीम, आपकी कलर पैलेट आनी चाहिए, ठीक है। जब कलर पैलेट, कलर स्कीम थीम सेट हो जाती है, वही आपके लोगों में आनी चाहिए, वही आपके टेस्टिमोनियल्स में आनी चाहिए, वही आपकी कंटेंट थीम में आनी चाहिए, वही आपके कलर पैलेट आपके कंटेंट में भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जब और आप बोलो कि क्या कंटेंट पोस्ट करूँ, तो जो ट्रेंडिंग में है पहला, जो ट्रेंडिंग में जो कंटेंट है वो आपको पोस्ट करना है। दूसरा, की स्टोरीज आपको पोस्ट करनी। तीसरी, आपकी सर्विसेज आपको पोस्ट करनी बीच पे हर रोज नहीं। चौथा, प्रमोशनल कुछ प्रमोशन आप दे रहे हो, डिस्काउंट, ऑफर, डील सब करना ही है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल पोस्ट सबसे ज़्यादा देने हैं, आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसमें आप सामने वाले को क्या वैल्यू ऐड करते हैं, फॉर्म ऑफ एजुकेटिंग देम,
वो आपको डालनी है। जैसे मैं न्यूरोलॉजी के ऊपर अभी तो ये 90 डेज से ब्रांडिंग के बारे में सब डाल रहा हूँ, ठीक है, तो वैसे ही आप क्या हेल्प कर सकते हो। जैसे ब्रांडिंग द पार्ट ऑफ माई वन ऑफ द सर्विसेज लोगो, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ। कुछ लोग सोच रहे कि हीरो कहाँ न्यूमरोलॉजी स्पिरिचुअल साइंस से छोड़ के इसमें आ गया, ये भी एक साइंस ही है, स्पिरिचुअल साइंस ही लोगो डिजाइन, इसीलिए ब्रांडिंग को मैंने इसमें इंटीग्रेट किया है। उस तरह से आप अपने सारे 6-7 जितनी सर्विसेज है उसको स्प्लिट डाउन करके देखिए कहाँ का एजुकेशनल पोस्ट मैं बना सकता हूँ, ठीक है, और वो पोस्ट बनाने के बाद टेक्स्ट बनाने के बाद अगर टेक्स्ट बनाना नहीं जम रहे टेक्स्ट कंटेंट, यू हायर कंटेंट राइटर या फिर चैट जीपीटी आप बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, वहाँ चले जाइए कि उसको कमांड दे दीजिए गिव मी अ पोस्ट गिव मी डॉट फोर लाइन टू क्रिएट अ कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम ऑन विच शुड बी एजुकेशनल पोस्ट ऑन फॉर एग्जाम्पल क्या मान लो ये मेरी बॉटल है और ये मेरा प्रोडक्ट है अर्थनवेयर पॉट का ये बॉटल, इसके ऊपर मुझे पोस्ट लिख दीजिए बेनिफिट ऑफ दिस अर्थनवेयर बॉटल, तो वो मेरे को चार लाइन बना के दे देगा, कॉपी किया कैनवा पे बना दिया और अपलोड कर दिया, ठीक है। और लास्ट में आती है कंटेंट बनाने के बाद होता है हैशटैग, वो हैशटैग के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, ठीक है, ली टैग एंड्रॉयड पे और iOS पे फ्रीली अवेलेबल, ली टैग LETAGS, वहाँ पे डाउनलोड कीजिए, अपनी इंडस्ट्री का हैशटैग डालिए और देखिए कौन से ट्रेंडिंग और लाइव हैशटैग है उसको कॉपी कीजिए, 30 हैशटैग अलाउड होते हैं तो कॉपी कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे स्पेसिंग के बाद वो डाल दीजिए, ठीक है। तो इस और साथ साथ में आपके इंडस्ट्री और प्रोडक्ट को कनेक्टेड भी हैशटैग उसमें होने चाहिए और आपके खुद के ब्रांडिंग में भी हैशटैग एक बना दीजिए, ठीक है, और वो भी इसमें इंक्यूबेट कर दीजिए। तो इस तरह से जब एक पोस्ट आप डालते रहोगे ना तो धीरे धीरे वो आपके सर्कुलेशन में फॉलोवर को बढ़ाते रहेगा और आपको हेल्प करते रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पर्सनल ब्रांडिंग इसमें कर सकते हो। ये बहुत छोटा वीडियो मैंने इस पर बनाया है क्योंकि इस पर काफ़ी विस्तार से कोर्स भी बनाया जा सकता है जो कि मैं कोई इंस्टाग्राम स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। हाँ, अगर आपको सीखना है तो आई विल गिव वन रिकमेंडेशन टू वन ऑफ माई कलीग अमी सावला, वेरी गुड कलीग ऑफ माइन, सी स्पेशलाइज इन टू द इंस्टाग्राम लिंक्डइन एंड सोशल मीडिया ट्रेडिंग, आप उनसे कर सकते हो डायरेक्टली। मैंने स्पेशल रेफरल और डिस्काउंट कूपन आई टेलिंग यू, आप जाओ, बहुत ऑथेंटिक ट्रेनर और वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर आई कैन सी इन इंडिया इन सोशल मीडिया ट्रेडिंग, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे एपिसोड ऑन हाउ टू इन्फ्लुएंस द पीपल ऑन इंस्टाग्राम विद अ पर्सनल ब्रांडिंग और हाउ टू बिल्ड अ इन्फ्लुएंस ऑन इंस्टाग्राम विद अ पर्सनल ब्रांडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।